समाज के लोग भी आज सायरा में एकत्र हुए हैं। वहीं एसटीएम को ज्ञापन सौंपा है जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमारे साथ कई ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि आपकी क्या मांग थी, जी बताएं। 36 को हम आइए थे, इससे साफ उजागर थे, ये पहले से ही हो जाता है कि ये 36 को हम साथ आइए थे, इसका मतलब मामला झूठा है। और हम 36 को हमके एक ही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, नार्को टेस्ट हो और सीबीआई को जांच सौंप दे। दोषी मतलब सत्य अपना उजागर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, जो वो हम कतई सहन नहीं करेंगे। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हमें मजबूरन होकर के सड़कों पर बैठना पड़ेगा। ये तो हमारे साथ ग्रामीणों ने बताया कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। वही निष्पक्ष जांच के तहत सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट करने की भी बात कही है। कैमरामैन सुमेश सिंह के साथ सुखदेव सिंह राजपुर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सायला जालौन। संचालक है कटाराम मेघवाल, गणाराम मेघवाल, अजमलराम भील और गंगाराम भील, ये शहरों एससी और एसटी के, जिस स्कूल में सब में से 5 शिक्षक दलित समाज के, वहाँ सुहासूत्र जातिवाद होना कैसे संभव है। आरोपी शिक्षक सेल सिंह पर आरोप है कि स्वर्गीय इंद्र कुमार द्वारा स्कूल में पेयजल घड़ी रखी हुई मटकी के हाथ लगा देने पर सुहासूत के कारण उप शिक्षक सेल सिंह ने स्वयं विद्यार्थी इंद्र कुमार की अत्यधिक नियमों करा दी थी, जिसकी मटकी होगी। जबकि उप विद्यालय में सभी बच्चों में समस्त स्टाफ और स्थानीय ग्रामीणों सतीश कोमरी लाज राग जो हुकम सतीश कोमरी का दूध पानी का पानी होना चाहिए था। और दूसरी हमारी डिमांड है कि जो सतीश कोम आई है, आप लोग क्या चाहते हो? हमारी ये भी डिमांड है कि निष्पक्ष जांच, भेदभाव पूर्ण बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आपने भेदभाव पूर्ण किया तो हमें मजबूर होकर के सड़कों के ऊपर बैठना पड़ेगा। और जब तक इसको निष्पक्ष जांच नहीं मिलेगी, हम ये आंदोलन छोड़ने वाले नहीं है। और दूसरी चीज, एसडीएम साहब से आग्रह कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि जो भी इनको उकसाने का काम कर रहे हैं, अभी भी सुराना के अंदर कई सारे लोग ऐसे बैठे हैं उकसाने का काम कर रहे हैं। हमारी बैंक मीडिया और वहां से गुजरते उनको गाड़ियां बोलते, बुद्धि बुद्धि गाड़ियां निकालते। कुछ दिन जिस दिन उन्होंने रैली निकाली सुराना से लगा करके जाते हैं, कर रहे हैं, लेकिन अति जब अति हो जाएगा तब फिर हमारे को मालूम नहीं, कल अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वो सारी जिम्मेदारी इस प्रशासन की रहेगी। हमारी डिमांड है कि निष्पक्ष जांच हो, नार्को टेस्ट हो और सीबीआई को जांच दे दे। यही हमारी एक डिमांड है सतीश कोम की। और इसके साथ सतीश जाति हमारे साथ में है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और हम हमें भी मालूम है, हमें भी मतलब दुख है कि वो इंद्र छात्र मरा है, वो प्राकृतिक मौत से मरा है, लेकिन हमें भी दुख है, किसी का बेटा ज्यादा दुख है। और हम सभी उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दूसरी चीज, हमारे जो थान सिंह जी को, उनको सिर्फ वो बीट कांस्टेबल है, उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उनको आपने मतलब सस्पेंड कर दिया, विभागीय जांच बिठा दी, जो उनको वापस हमारी मांग है कि उनको बाल किया जाए। ये हमारी। और तीसरी मांग है हमारी, जो स्कूल है
स्कूल को आपने मान्यता रद्द कर दी, अब उसके अंदर 350-400 बच्चे पढ़ रहे, आज उनको कहाँ मिल जाए? उनका भविष्य क्यों खराब? उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? जो दोषी होगा उनको सजा मिल जाएगी, लेकिन उन बच्चों को क्या बिगाड़ा? इसलिए उस स्कूल की मान्यता वापस दी जाए और उन टीचरों को वापस लगाया जाए।